दोस्तों आज की इस वीडियो में जानवरों को आपस में लड़ते हुए दिखाएंगे जिसमें किसी न किसी की जीत होगी किसी न किसी की हार होगी तो वही आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक ईल के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा ये कैसे करंट को छोड़ता है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ इस जंगल में ये मॉनीटर लिजार्ड शिकार की खोज में बैठा रहता है तभी तो इसकी नजर एक कंगारू के ऊपर पड़ती है और ये मॉनिटर लिजार्ट कंगारू के तरफ दौड़ लगा देता है लेकिन मॉनिटर लिजार्ट से काफी तेज कंगारू दौड़ता है इसीलिए कंगारू अपने जान को बचा लेता है जिसके बाद यह मॉनिटर लिजार्ट घास में ही बैठा रहता है और इसे एक सांप के गुजरने का एहसास होता है और यह अपने जीभ से उसकी मौजूदगी का पता लगाता है कुछ ही पलों में इसे पता लग जाता है कि सांप किधर है लेकिन अब इस सांप को भी पता लग चुका था कि उसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है इसीलिए ये सांप मोनिटर लिजार्ट को कंफ्यूज करने के लिए कभी इधर भाग रहा था तो कभी उधर भाग रहा था लेकिन मानना पड़ेगा मोनिटर लिजार्ट भी हार नहीं मान रहा था वो भी सांप की खोज में इधर उधर भाग रहा था और आखिर में ये सांप अपने बिल में पहुंचने में कामयाब तो हो जाता है लेकिन वहां पर भी ये मॉनिटर लिजार्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता है और यह मॉनिटर लिजार्ट बिल में भी घुस इस सांप पर हमला करने लगता है जिसमें सांप खुद को पीछे हटकर तो बचाता है सांप को कहीं भागने की जगह नहीं रहती है तो ये सांप मॉनिटर लिजार्ट पर ही हमला कर देता है जिसके बाद मॉनिटर लिजार्ट फौरन ही मुंह को बाहर निकालता है और वहां से भाग जाता है यहाँ पर यह तेंदुआ पानी को पी रहा था और इस तेंदुआ को खतरा महसूस होता है लेकिन ये भागता नहीं है जब तक इस पर हमला नहीं होता और अचानक ही हिप्पो इस पर हमला कर देता है उसके बाद तेंदुआ वहां से भाग निकलता है और कई बार तो ये तेंदुआ सड़कों पे आ जाने से भी घायल हो जाते हैं तो कई बार इनकी मौत भी हो जाती है दोस्तों एक इलेक्ट्रिक इल जो 860 वोल्ट करंट जेनरेट करती है वो कितना खतरनाक हो सकती है आइए जानते हैं इस मछली में तीन भागों में करंट जेनरेट होता है जो हजारों मसल्स के टुकड़ों में इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं अपनी इस ट्रिक से यह अपने आसपास इलेक्ट्रिक को छोड़कर ये खुद को बचा भी सकती है और अपने शिकार को झटका देकर उसे मार भी सकती है लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक ईल एक इंसान का जान ले सकती है आज तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है जिसमें इलेक्ट्रिक ईल के द्वारा किसी इंसान की मौत हुई हो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे हो सकता है इंसान एक इलेक्ट्रिक ईल को तो बर्दाश्त कर पाए लेकिन इलेक्ट्रिक ईल से भरे इलाके में जाना तो मौत को दावत देना होगा लेकिन क्या कोई एलिगेटर एक इलेक्ट्रिक ईल पर भारी पड़ सकता है आइए देखते हैं यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक ईल पानी के किनारे पर रहती है यह एलिगेटर आता है और इस इलेक्ट्रिक ईल इल पर हमला कर देता है जैसे ही ये एलिगेटर इस इलेक्ट्रिक ईल इल को अपने जबड़े में दबाता है तो ये इलेक्ट्रिक ईल इल करंट को छोड़ने लगती है उसके कुछ ही देरों बाद ये एलिगेटर वहीं पे मर जाता है और ऐसा ही एक गलती ये सांप भी कर दिया है इसने एक इलेक्ट्रिक ईल इल को अपने मुंह में दबा लिया है जिसके चार से पांच सेकंड बाद ही इस सांप को होश ठिकाने आ गए ऐसे ही गलती ये कुत्ता भी कर रहा है जैसे ही ये कुत्ता इलेक्ट्रिक कील को अपने मुंह में दबाता है तो इसे इतना बड़ा झटका लगता है कि ये इसे छोड़कर वहां से भाग ही जाता है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो मिलते हैं ऐसी